नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जीवन आनंद किसको कहते हैं? आनंद उसको कहते हैं जो अक्षय हो, अनंत हो, तेजोमय हो, परम सुख का स्वरूप हो और साथ ही जहाँ पर दुखों का सर्वथा अभाव हो। असंतोषी मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है किंतु आनंद की कदापि नहीं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज दिनांक 4 नवंबर 2023, दिन शनिवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शरद ऋतु, सूर्योदय प्रातः 6:34, सूर्यास्त 5:34 सायंकाल। प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। सर्वप्रथम मेख राशि। आज स्वास्थ्य में पूर्व की अपेक्षा कमी का आभास होगा। निरंतर वर्जिश, ध्यान करें। आर्थिक स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का अनुभव हो सकता है या उनके स्नेह में आप कमी का आभास भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सभी से पूर्ण सहयोग मिलेगा। नई योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने का उत्तम समय है। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होगी। आज आप उत्साह से परिपूर्ण बने रहेंगे। किसी पुराने मित्र या संबंधी से भेंट हो सकती है जो आपके मन को प्रसन्न करेगा। आज के दिन आप सफेद वस्त्र पहने और सफेदी वस्तु को खाद्य पदार्थों के रूप में सेवन करेंगे, लाभ होगा। वृक राशि। श्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। योग व्यायाम निरंतर करते रहें। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। लाभ के लिए धन संचय करने का सर्वोत्तम अवसर है। पारिवारिक प्रेम में कमी का आभास हो सकता है और आपके कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति भी बन सकती है। सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग में कुछ कमी की आशा है। आसपास घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा बना रहेगा। आज के दिन आप गुलाबी रंग को परिधान में प्रधानता देने का प्रयास करें। अपने घर में लगी बगिया को या गमलों को जल से सींचें, लाभ होगा। मिथुन राशि। स्वास्थ्य सर्वोत्तम स्थिति में बना रहेगा। ध्यान स्वाध्याय से मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। प्रातःकालीन भ्रमण करने से शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होता है। अच्छे स्वास्थ्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए दोनों की ही आवश्यकता होती है। आर्थिक समस्या से सामना हो सकता है। हाथ भी कुछ तंग रह सकता है। धन वृद्धि हेतु अन्य आय के स्रोत के संबंध में विचार किया जा सकता है। किसी को धन न दें, अनावश्यक खर्च न करें। पारिवारिक स्नेह प्रेम की स्थिति मधुर बनी रहेगी। कार्यस्थल पर भी स्थिति तनाव वाली बने रहने की संभावनाएं हैं। आपके सहयोगी और अधिकारियों से बहस करने से बचें। जीवन साथी से पूर्ण प्रेम एवं सहयोग बने रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आज आप हरे रंग को दैनिक जीवन में अधिकतर प्रयोग करने का अवसर न चूकें। माथे पर सफेद चंदन का तिलक धारण करें। कर्क राशि। स्वास्थ्य की स्थिति सर्वोत्तम बनी रहेगी किंतु इसको यथावत रखने के लिए ध्यान योग चिंतन परमानेंट करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी किंतु अचानक कहीं धन खर्च भी करना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य अथवा उसकी किसी बात को लेकर बहस का कारण भी बन सकता है। मानसिक तनाव भी बन सकता है। कार्यस्थल पर कोई समस्या अचानक सामने आ सकती है। अपने व्यवहार को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी से प्रेम स्नेह मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की संभावना है। सावधान रहें। परिवार का वातावरण अच्छा बनाने का प्रयास करें। क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर संयम रखिएगा। आज के दिन आप सफेद और हल्के ब्राउन वस्त्र धारण करें। मिष्ठान में सूजी का हलवा हो सकता है।
सिंह राशि स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बना रहेगा, योग ध्यान निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ टाइट बने रहने की आशा है। पारिवारिक प्रेम में पूर्व की अपेक्षा कुछ कमी का आभास हो सकता है, सभी से प्रेम भाव बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बनी रहेगी, सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। जीवन साथी से आप मधुरता का व्यवहार रखिएगा। मौन रहना, हृदय को कष्ट देने वाली बात न करना लाभकारी होता है। बहस की भी संभावना है, क्रोध न करें, इसमें से काम लें। एकांतवास लाभकारी होगा। आज आप किसी बुरी आदत को छोड़ने का मन बनाएं। स्पष्ट बोलूं तो किसी भी व्यसन का त्याग करें, पीला तिलक धारण करें। कन्या राशि स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। भोजन व्यायाम आदि पर निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहिएगा, ध्यान करते रहिएगा। आवश्यकता होने पर अपने चिकित्सक से संपर्क कीजिएगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, निवेश करने के लिए उत्तम समय है। पारिवारिक प्रेम स्नेह में पूर्व की अपेक्षा कुछ कमी का आभास हो सकता है। आप अपना खाली समय परिवार के साथ बिताने का प्रयास करें, लाभ होगा और परिवार का वातावरण भी उत्तम होगा। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बनी रह सकती है, सावधानी से काम लेना होगा। आपके अधिकारी सहयोगी बिना मतलब की बहस करने से या बात करने से अपना बचाव करें। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग में कुछ कमी का आभास होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी कर सकते हैं। बहस न करें, प्रेम से काम लें। आज के दिन आप सफेद रंग का प्रयोग वस्त्रों में करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। तुला राशि स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, नियमित ध्यान योग करिएगा। आर्थिक स्थिति कोई ढीली बनी रह सकती है, कहीं पर धन भी खर्च करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चे से बचें, बिना योजना के बिल्कुल खर्च ना करें। किसी वस्तु या संपत्ति का लेन देन बिल्कुल ना करें। पारिवारिक प्रेम और स्नेह में उत्तम स्थिति बनी हुई है, आपके बड़ों की कृपा और आशीर्वाद आपको निरंतर मिलेगा। कार्यस्थल पर भी स्थिति ठीक बनी रहेगी, वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, लाभ में रहेंगे। जीवन साथी से भरपूर प्रेम एवं सहयोग की प्राप्ति होगी, उनको कोई उपहार भेंट करने से लाभ होगा। आसपास घूमने का कार्यक्रम बनाएं, घरेलू खरीदारी करने से घर में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलने का पूर्ण अवसर है। आज के दिन आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें और मस्तक पर पीला तिलक धारण करें। वृश्चिक राशि स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, हल्के योग और व्यायाम स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी, किसी नए आय के स्रोत की प्राप्ति की पूर्ण संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। निवेश करने का उत्तम समय है, नई योजना बनाने का तो सर्वोत्तम समय है। पारिवारिक वातावरण उत्तम बनेगा, सहयोग की प्राप्ति होगी और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। कार्यस्थल पर स्थिति तनाव होने वाली बन सकती है, किसी सहयोगी अधिकारी से बहस की संभावना भी बन सकती है। प्रेम से काम लें, जीवन साथी से पूर्ण प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी, उनको कोई उपहार दें। घूमने का कार्यक्रम बनाएं, आज आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। धनु राशि स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, ध्यान योग स्वाध्याय से आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है, सावधानी से खर्च करें, कहीं पर धन खर्च ना करने का प्रयास करें। बहुत ही आवश्यकता की स्थिति में धन खर्च करें। पारिवारिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, पूरे परिवार का प्रेम सहयोग स्नेह आपको बराबर मिलेगा। नए संबंध बनाने से भी लाभ मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति तनाव देने वाली बन सकती है, अपने किसी भी साथी अधिकारी से बहस ना करें। अपने काम में एकाग्रता बनाए रखते हुए अपना काम करते रहें। समस्या अपने साथ समाधान लेकर भी आएगी। जीवन साथी से भरपूर प्रेम और स्नेह का आज आपको पूर्ण एहसास होगा। भगवान आशुतोष की प्रार्थना करें, लाल तिलक धारण करें, लाभ होगा। मकर राशि स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है, पारिवारिक प्रेम सहयोग की भरपूर प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, सावधानी से काम लेना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य और मूड दोनों का ही ख्याल रखिएगा।
सफेद रंग को वस्त्रों और भोजन में प्रधानता दें, मन को शांति मिलेगी, जीवन में आनंद आएगा। कुंभ राशि, आज आपकी सभी जगह पर भाग्य साथ देने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम, खान पान पर भी ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन साथ ही ध्यान रखिए घर का भोजन करें, बाहर के बचें, स्वास्थ्य उत्तम रहना ही है। आर्थिक स्थिति भी उत्तम बनी रहेगी, निवेश के लिए उत्तम समय, भविष्य के लिए लाभकारी होगा। परिवार से पूर्ण प्रेम सहयोग की प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर आनंद ही आनंद का अनुभव होने वाला है। नई योजना बनाइए, उसको क्रियान्वित कीजिए, जो भविष्य में आपको लाभ पहुंचाएगी। जीवन साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। हल्का सा कोई स्वास्थ्य में चिंता का विषय बन सकता है, उनको साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं, कोई उपहार उनको प्रदान करें। लाल रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें और लाल रंग का ही उपहार अपने जीवन साथी को भेंट करें तो सर्वोत्तम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखना होगा। सात्विक भोजन, चिकित्सक की सलाह निरंतर लेते रहिएगा। आर्थिक स्थिति में पूर्व की अपेक्षा कुछ न्यूनता रहने की संभावना है। पारिवारिक प्रेम और स्नेह में भी पूर्व की अपेक्षा कुछ कमी का एहसास हो सकता है, या उनकी किसी बात से आपको मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। सावधानी से काम लेना होगा। कार्यस्थल पर स्थिति मध्य अवस्था में बनी रहने की आशा है। किसी जगह काम में समस्या उत्पन्न हो भी सकती है, उसको आप अपने योग्यता के आधार पर सॉल्व कर लेंगे। आप जीवन साथी के स्नेह भाव में कुछ कमी का आभास करेंगे, उनका ध्यान भी रखिएगा। बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाइए, घर में शांति का अनुभव होगा। आज आप सफेद वस्त्र धारण करें, मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। तो बस आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर। देश विदेश की ताजा जानकारियों के साथ राशिफल, अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए मित्रों, यही दैनिक राशिफल हमारे दैनिक समाचार पत्र पब्लिक एशिया में भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सियाराम।